सिंह और आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। अभी की सबसे बड़ी खबर यही है कि यूपी में एमएलसी चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और अब बीजेपी ने यहां पर भी अपना कब्जा जमा लिया है। 27 सीटों पर बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है और साथ ही बीजेपी को टक्कर देने के लिए एमएलसी चुनाव में जो है सपा पार्टी उतरी थी, लेकिन सपा पार्टी का यहाँ सुपड़ा साफ हो गया है। और अब इस जीत पर योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। योगी आदित्यनाथ ने इस जीत के लिए लोगों का धन्यवाद दिया है, साथ ही उन्होंने कहा है कि बीजेपी की यूपी में एमएलसी चुनाव में प्रचंड जीत हुई है और इस वजह से अब यह साफ हो गया है कि यूपी की जनता जो है बीजेपी को चाहती है, बीजेपी पर विश्वास करती है। साथ ही उन्होंने कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री की योजनाओं से, उनके विकास से और यूपी की सरकार से जनता खुश है। यहां पर योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि बीजेपी जिस तरह से प्रचंड जीत हासिल की है उन्होंने एमएलसी चुनाव में, ये बात तो साफ हो गई है इससे कि यूपी की जो जनता है वो बीजेपी से खुश है। वहीं बीजेपी के सामने जो खड़े थे एमएलसी चुनाव में सपा पार्टी, इस बार सपा पार्टी और बीजेपी की कड़ी टक्कर होने के अनुमान लगाए जा रहे थे, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने सभी सीटों पर प्रचंड जीत हासिल की है उससे सपा पार्टी को करारा झटका मिला है। सपा पार्टी का इस इलेक्शन में सुपड़ा साफ हो गया है। वहीं अब बीजेपी इस जीत का जश्न मनाते हुए नजर आ रही है। साथ ही अब बीजेपी ने यूपी की राजनीति में अपना कब्जा जमा लिया। जिस तरह से विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की थी, उसके बाद सबकी निगाहें जो थी वो एमएलसी चुनाव पर टिकी हुई थी और यहां पर बीजेपी ने दोबारा से अपनी प्रचंड जीत का जो परचम है वो लहरा दिया है। और अब इस जीत पर जो है वो योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी खुशी जाहिर कर दी है, साथ ही जनता को भी धन्यवाद दिया है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, आगे की खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़। धन्यवाद।